माय डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों और प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कक्षा में हम लोग जो है मापन एवं चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि मेजरमेंट एंड मेजरिंग वेरिएबल से कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, इनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आप पेन और पेपर ले लीजिए और उस पर जो है आप अपना सेल्फ चेक भी करते चलिएगा, आप अपने आप को अंक भी देते चलिएगा और वीडियो के अंत में आप बताइएगा, कक्षा के अंत में आप बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के पूर्व ही मैंने जो है आप लोगों को मापन के बारे में और मापन चरों के बारे में अच्छी तरह से आपको डिस्क्रिप्टिव जो एनालिसिस उसकी बताई है, पूरी तरह से उसके बारे में हमने आपको पिछली कक्षाओं में बताया है। मापन क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और उसी तरह से मापन के चरों के बारे में भी हमने बताया है कि उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, किसे चर किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएँ क्या क्या होती हैं। इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो आज की कक्षा में एक तरह से आपकी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी, रिवीजन का कार्य भी हो जाएगा और साथ ही साथ जो है हम लोग यह भी चेक कर लेंगे कि हमारी स्थिति क्या है, हमारा पोजीशन क्या है, कितने अंक हम प्राप्त कर पा रहे हैं मापन और मापन चरों से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, एक पेन और पेपर अपने पास रख लीजिए और हम लोग आज की कक्षा को स्टार्ट करें, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। इससे पूर्व जो है आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों में से, प्रिय मित्रों में से, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियो समय से मिल पाएँ, वीडियो से संबंधित आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, जितने भी वीडियोज हमारे हैं आपके कोर्स से रिलेटेड उन सभी वीडियोज को आप आसानी से देख पाएँ, उसको देखने में किसी प्रकार की समस्या ना हो और समय से आपको उपलब्ध हो जाए। तो इसलिए कृपया आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक भी करिए और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए जिससे कि वे आपके जो मित्र हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। साथ ही साथ आप वीडियो के संबंध में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा आप अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं और यदि आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। आपके सुझावों का मोस्ट वेलकम है और आपके प्रश्नों का आंसर देने का हम प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और साथ साथ जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चर या वेरिएबल। प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके स्क्रीन पे आपके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या व्हाट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ वेरिएबल। यह आपके स्क्रीन पे आज के लिए पहला प्रश्न है और इस प्रश्न के जो विकल्प हैं, जो ऑप्शन है, कुछ इस प्रकार हैं। चर का शाब्दिक अर्थ है अ ए जो स्थिर रहे, बी जो स्थिर न रहे, सी जो बदलती रहे और डी बी व सी दोनों। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जल्दी से अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में दीजिए, चैट के द्वारा आप अपने आंसर्स को बताइए।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के आंसर सही होंगे क्योंकि आपने अच्छे से स्टडी किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में बताइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, चर क्या है? चर या वेरिएबल, इसका देखिए नाम ही है वेरिएबल, अर्थात जो वेरी करे। तो इसका जो विकल्प ए है, जो स्थिर रहे, ये क्या होगा? ए नहीं होगा। जो स्थिर न रहे तो ए सही हो सकता है। जो बदलती रहे ए भी सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारा बी भी सही है और सी भी सही है तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है कि ब व स दोनों, यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इसका जो आंसर है, इसका आंसर डी या द है, ब व स दोनों, अर्थात चर जो होता है वो स्थिर नहीं रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि चर हमेशा बदलता रहता है क्योंकि उसका नाम ही है चर, जो बदलता रहे, या वेरिएबल जो वेरी करता रहे। चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर टू। मापन का प्रत्यय है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, मापन का प्रत्यय है। चलिए आपके स्क्रीन पे आप सेकेंड क्वेश्चन है, मापन का प्रत्यय है और इसके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। मापन का प्रत्यय है, आधुनिक प्रत्यय है, मध्यकालीन प्रत्यय है, प्राचीन प्रत्यय है या नवीन प्रत्यय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में अपना अपना आंसर टाइप करिए। जल्दी से हम देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। अधिकांश लोगों का आंसर सही है, आप सभी लोग पढ़े हुए हैं इसके बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, क्या होगा? मापन आधुनिक प्रत्यय है? नहीं। मध्यकालीन प्रत्यय है? नहीं। नवीन प्रत्यय भी नहीं है। क्या है? मापन एक प्राचीन प्रत्यय है। प्राचीन काल से ही हम मापन का प्रयोग करते आ रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, इसका जो आंसर सी है वो सही है। मापन जो है प्राचीन प्रत्यय है। जिन विद्यार्थियों ने, जिन प्यारे भाइयों बहनों ने आंसर नंबर सी दिया है, सी जिन्होंने विकल्प चुना है, उन सभी लोगों का विकल्प सही है, उनका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। पुस्तक में पृष्ठों की संख्या उदाहरण है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रश्न है कि जो पुस्तक में पृष्ठों की संख्या होती है यह उदाहरण है। विकल्प आपके सामने है गुणात्मक मापन का या गुणात्मक चर का है, सतत चर का है, असतत चर का है या छात्रों की संख्या चर ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, यहाँ पे होगा पुस्तकों की पृष्ठों की संख्या। तो पुस्तकों की पृष्ठों की संख्या चर ही नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए, पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या कौन सा चर है? सतत है, असतत है? तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, यह एक असतत होगा, क्योंकि जो सतत चर होता है वो कंटिन्यू होता है, लेकिन जो पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या होती है वो कंटिन्यू नहीं होती, वो डिस्क्रीट होती है, वो पूर्णांक में होती है, इसलिए क्या होगा? असतत चर होगा। तो इसका ए जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है। जिन प्यारे भाइयों और बहनों का, जिन जो विद्यार्थी जो है सी ऑप्शन को सिलेक्ट किए हैं, सी ऑप्शन सही है। इसका जो डी ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। डी ऑप्शन होगा, पुस्तकों की संख्या चर ही नहीं है, तो वो तो गलत है। तो प्यारे विद्यार्थी, जो पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या उदाहरण है, एक ऐसा उदाहरण है, यह एक असतत चर का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका आंसर हो गया सी, असतत चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, मापन होता है, मापन होता है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। भौतिक होता है, मापन होता है, अभौतिक मापन होता है, भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार का मापन होता है, या दोनों में से कोई नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी अपना आंसर आप दे दीजिए। सभी लोगों का आंसर लगभग लगभग सही है। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? जो मेजरमेंट होता है वो क्या है? अभौतिक प्रक्रिया है या भौतिक प्रक्रिया है या दोनों है? क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? दोनों होगा, क्योंकि फिजिकल मेजरमेंट भी होता है और नॉन फिजिकल मेजरमेंट्स भी होता है। जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो अभौतिक हैं, और जो हम लोग जो हम लोग वजन, भार, लंबाई इस तरह मापते हैं, वो सब क्या है? भौतिक मापन है। तो इस प्रकार से जो मापन होता है वो भौतिक और अभौतिक दोनों होता है। तो इसका जो सी विकल्प है, जिन भाइयों बहनों का आंसर सी है, सी आंसर सही है। सी आंसर है, भौतिक व अभौतिक दोनों, अर्थात मापन की जो प्रक्रिया होती है वह भौतिक और अभौतिक दोनों होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस चर को हम खंडित चर कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों आपके विकल्प हैं कुछ इस प्रकार, ए गुणात्मक चर को, बी मात्रात्मक चर को, सी सतत चर को और डी असतत चर को। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को टाइप करिए, आप अपने आंसर्स जल्दी जल्दी दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, चैट में दीजिए जल्दी से। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर? क्या कोई जो चर होता है जिसको हम लोग खंडित चर कहते हैं तो गुणात्मक चर होता है? नहीं, मात्रात्मक चर होता है, लेकिन वो यह जो है बहुत ही अधिक उपयुक्त आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है उसके प्रकार दिए गए हैं, तो सतत चर और असतत चर, तो सतत चर भी नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा? असतत चर होगा। इन चारों विकल्पों में से जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो है डी असतत चर। तो असतत चर को हम लोग खंडित चर कहते हैं। जिन लोगों का ऑप्शन डी है, जिन लोगों ने ऑप्शन डी दिया है आंसर में, वो ऑप्शन सही है, अर्थात डी जो है ऑप्शन सही है, डी विकल्प सही है, असतत चर को हम लोग खंडित चर कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार के मापन की एक निश्चित इकाई होती है? आपके विकल्प आपके सामने हैं, भौतिक मापन, अभौतिक मापन, भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के मापन, या दोनों में से किसी का नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, जल्दी से आप आंसर टाइप करिए, चैट बॉक्स में टाइप करिए। लगभग लगभग सही लोग, सभी लोगों का उत्तर सही है। क्या होगा इसका आंसर प्रिय विद्यार्थियों? जो मापन की क्रिया होती है उस जिसमें जो है जिसकी एक निश्चित इकाई होती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है? अभौतिक मापन की निश्चित इकाई नहीं होती है, भौतिक और अभौतिक मापन की भी निश्चित इकाई नहीं होती है, और दोनों में से किसी की भी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका जो आंसर है वो आंसर है प्रिय विद्यार्थियों ए, अर्थात जिन लोगों ने आंसर ए दिया है भौतिक मापन, उनका विकल्प सही है। जो भौतिक मापन होता है उसकी एक निश्चित इकाई होती है, जैसे प्रिय विद्यार्थियों लंबाई हम लोग मीटर या किलोमीटर में मापते हैं, वजन हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, तो इस तरह से जो है जो भौतिक मापन होता है, भौतिक मापन में क्या होता है, कोई ना कोई उसका यूनिट होता है, इकाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7, उपलब्धि परीक्षा प्राप्तांक के आधार पर छात्रों को विभिन्न समूहों में विभाजित करना है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम परीक्षा के प्राप्तांक या उपलब्धि के प्राप्तांक के आधार पर छात्रों को अलग अलग समूहों में विभाजित करें तो यह क्या होगा? यह गुणात्मक चर का उदाहरण होगा, मात्रात्मक चर का उदाहरण होगा, गुणात्मक व मात्रात्मक चर दोनों प्रकार का उदाहरण होगा, या दोनों में से किसी का नहीं होगा। प्रिय विद्यार्थियों, जो ये क्रिया है कि उपलब्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को विभिन्न समूहों में विभाजित करना, इसका कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से आप लोग अपना आंसर दीजिए, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। वेरी गुड। क्या होगा? क्या यह गुणात्मक चर है? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है, अंकों के आधार पर प्राप्त परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर विभिन्न प्रकार के समूह बनाए जा रहे हैं, तो यह गुणात्मक नहीं होगा। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों नहीं है, दोनों में से किसी नहीं। ये क्या है प्रिय विद्यार्थियों? मात्रात्मक चर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अंकों की मात्रा, अर्थात कौन सा छात्र कितना अंक प्राप्त किया है उसके आधार पर, या परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर हम जो है छात्रों को विभिन्न समूहों में विभाजित कर रहे हैं, तो इसलिए यह क्या होगा, एक मात्रात्मक चर या क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जाम्पल होता है। तो जिन लोगों का आंसर बी है वह आंसर सही है, बी मात्रात्मक चर का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक गुणों का मापन होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोग शैक्षिक मापन करते हैं या शैक्षिक गुणों का मापन करते हैं, वो किस प्रकार का मापन होता है? आपके विकल्प हैं ए भौतिक मापन, बी अभौतिक मापन, सी भौतिक व अभौतिक दोनों, और डी दोनों में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप लोग अपने आंसर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, चैट बॉक्स में आप अपने आंसर्स को दीजिए। क्या होगा? जो मापन की क्रिया होती है, एजुकेशनल जो क्वालिटीज़ होती है, एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक्स जो होती है, या शैक्षिक जो गुण होते हैं, उनका मापन क्या होता है, वो भौतिक मापन नहीं है, भौतिक और अभौतिक ये भी नहीं है, और डी भी ऑप्शन गलत है, यह क्या है, अभौतिक मापन है। तो जिन विद्यार्थियों का, जिन भाइयों बहनों का ऑप्शन बी है वो सही है, इसका उत्तर बी होगा, अभौतिक मापन। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी
सामाजिक गुण, मनोवैज्ञानिक गुण, एजुकेशनल क्वालिटी या शैक्षिक गुण होते हैं, इन सभी गुणों का मापन क्या होता है? यह एक अभौतिक मापन होता है, यह एक अभौतिक क्रिया होती है, और इन क्रियाओं का मापन क्या होता है? अभौतिक मापन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। यह प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के चर मापन में निकटस्थ संख्याओं का प्रयोग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अप्रोक्सीमेट नंबर्स या निकटस्थ संख्याओं का प्रयोग किस प्रकार के चरों के मापन में किया जाता है, आपके विकल्प हैं प्रिय विद्यार्थियों, ए गुणात्मक चर के मापन में, बी असतत चर के मापन में, सी सतत चर के मापन में, और डी सभी प्रकार के चरों के मापन में। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी आप लोग अपना आंसर दीजिए और अपने आंसर्स को नोट भी करते चलिए कि कितने आंसर्स आपके सही हो रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वेरी गुड, जल्दी से आप टाइप कर दीजिए, आप अपने अपने आंसर्स, लगभग सभी लोगों के आंसर सही हैं। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, जो किसी प्रकार के चर के मापन में जो निकटस्थ संख्याओं का या अप्रोक्सीमेट नंबर्स का यूज होता है वो क्या है? वो गुणात्मक चर का भी विशेषता नहीं है, गुणात्मक चर मापन भी नहीं है, असतत चर मापन भी नहीं है, और सभी प्रकार के में भी नहीं होता है। क्या होगा इसका आंसर? सी सही होगा, अर्थात जो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं या सतत चर होते हैं, सतत चर का मापन जो है हम लोग अप्रोक्सीमेट नंबर या निकटस्थ संख्याओं में भी करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो डेसिमल में हम करते हैं या जो है जैसे लगभग में जो हम लोग मापन का कार्य करते हैं, तो लगभग में मापन का जो कार्य होता है, अप्रोक्सीमेट में जो नंबर्स हम प्रदान करते हैं, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी जो है कंटिन्यूस वेरिएबल्स के मेजरमेंट्स होते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल्स के मेजरमेंट में या सतत चर के मापन में हम लोग जो है निकटस्थ संख्याओं का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस प्रकार के मापन के परिणामों में यथार्थता कम होती है? प्रिय विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस प्रकार के मापन के परिणामों में यथार्थता कम होती है, अर्थात एक्यूरेसी कम होती है, और आपके विकल्प हैं ए भौतिक मापन में, बी अभौतिक मापन में, सी भौतिक व अभौतिक दोनों में कम होती है, और डी है भौतिक व अभौतिक दोनों की अधिक होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आप लोग अपने आंसर्स को दीजिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर्स? कहा जा रहा है कि किस प्रकार के मापन के परिणामों में यथार्थता या एक्यूरेसी कम होती है, कहाँ पर एक्यूरेसी कम होती है, कहाँ पे कम एक्यूरेसी के साथ मापन का कार्य किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका क्या विकल्प होगा आप बताइए। देखिए, भौतिक मापन जो है यहाँ पे जो एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है, क्योंकि यदि हम वजन माप रहे हैं, 1 किलो 2 किलो, या लंबाई या हाइट माप रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वहाँ पे भौतिक चरों का मापन किया जाता है। तो यह क्या होता है, ये लगभग लगभग बहुत ही अधिक एक्यूरेट होता है, बहुत ही अधिक यथार्थ होता है। और फिर बात आई भौतिक व अभौतिक दोनों की, अभौतिक जो मापन होता है यहाँ पे इसके लिए कोई यूनिट नहीं होता है, यहाँ पे अभौतिक चरों का मापन किया जाता है, इसलिए जो यह जो है ये स्पष्ट नहीं होता है। जो यहाँ जो अभौतिक गुण होते हैं ये बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे यथार्थता की कमी होती है। तो ए बी ऑप्शन सही हो सकता है। सी अगर हम लोग देखें तो सी क्या है, भौतिक व अभौतिक दोनों का गलत हुआ, और डी क्या है, दोनों की अधिक होती है, ये भी गलत है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों का, जिन विद्यार्थियों का आंसर बी है, बी आंसर आपका सही है, तो जो अभौतिक मापन होता है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें जो है अभौतिक मापन के परिणामों में यथार्थता कम होती है, अभौतिक मापन के परिणामों में एक्यूरेसी कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 11। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है कि किस प्रकार के चरों के लिए किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, कहा जा रहा है, प्रश्न है कि किस प्रकार के चरों के लिए किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात किया जा सकता है। आपके विकल्प हैं सतत चर के लिए, असतत चर के लिए, गुणात्मक चर के लिए, और सभी प्रकार के चरों के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी जल्दी आप टाइप करिए। आप सभी लोगों का आंसर लगभग लगभग सही है, आप सभी लोग इसके बारे में अच्छे से अध्ययन किए हैं, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर सही आना चाहिए। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, जो असतत चर होता है
असतत चर में क्या होता है, यहाँ पे जो भी संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक में होती हैं, वो डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं, तो उनके बीच की जो संख्याएं होती हैं, जो बीच के मान होते हैं, उसको हम लोग ज्ञात नहीं कर पाते हैं। गुणात्मक चर भी नहीं होगा, सभी प्रकार के चरों के लिए नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो सतत चर या कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होगा, और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए हम क्या होता है कि दो मानों के बीच के या दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों का, जिन विद्यार्थियों का आंसर ए रहा वो आंसर सही रहा, और इसका विकल्प जो अ है, ए है सतत चर के लिए, वह विकल्प सही है, और सतत चर के लिए हम किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात करते हैं, कर पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12। किसका कथन है, मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स टू डायमेंशंस ऑफ फिनोमिना इन ऑर्डर टू करेक्टराइज द स्टेटस ऑफ द फिनोमिना एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने जो मेजरमेंट है उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा है, तो आपके जो विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर, ए हेल्म स्टेटर, बी गिलफर्ड, सी एस एस स्टीवेंस, डी ब्रैडफील्ड तथा मोरडोक। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आप लोग अपने आंसर्स को दीजिए, चैट बॉक्स में टाइप करिए, देखते हैं कितने लोगों का ये आंसर सही है, कितने लोगों को परिभाषा याद है, कितने लोग उसको रिवाइज किए हैं, पढ़े हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा इसका आंसर, यह जो परिभाषा है, यह परिभाषा हेल्म स्टेटर की भी नहीं है, स्टीवेंस की भी नहीं है, गिलफर्ड की नहीं है, यह किसकी है, यह परिभाषा है ब्रैडफील्ड तथा मोरडोक की। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने डी आंसर दिया है, उन सभी लोगों का आंसर सही है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ब्रैडफील्ड तथा मोरडोक ने कहा था कि मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किन चरों को केवल पूर्णांकों में ही व्यक्त किया जा सकता है। बहुत सरल सवाल है, इसके बारे में आप सभी लोग जान रहे होंगे, सबका आंसर सही होना चाहिए। आपके विकल्प हैं ए असतत चर, बी सतत चर, सी गुणात्मक चर और डी सभी प्रकार के चरों का। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को टाइप करिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर्स। प्यारे भाइयों और बहनों, जल्दी जल्दी टाइप करिए, सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर, प्रिय विद्यार्थियों, पूर्णांकों में हम किसको, सतत चर को नहीं व्यक्त कर सकते, गुणांक को नहीं, सभी प्रकार को नहीं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए असतत चरों को, अर्थात जो असतत चर होते हैं, असतत चर के मान को हम केवल पूर्णांकों में ही व्यक्त कर पाते हैं, क्योंकि उसका नाम ही है क्या, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। इसको हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं, और डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो होते हैं वे हमेशा पूर्णांक में होते हैं, होल नंबर्स में होते हैं। चलिए प्यारे भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर ए है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। प्रिय विद्यार्थियों, 14वां प्रश्न है कि किसका कथन है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनिशंस है, इसके बारे में आप सभी लोग जो है अध्ययन भी कर चुके हैं, इस परिभाषा को आपको हमेशा याद भी रखना चाहिए। तो इसके आपके सामने विकल्प है इसका, ए हेल्म स्टेटर, बी गिलफर्ड, सी एस एस स्टीवेंस और डी ब्रैडफील्ड तथा मोरडोक। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को दीजिए, चैट बॉक्स में टाइप करिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। सबका आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा इसका आंसर। प्रिय विद्यार्थियों, ये परिभाषा जो है वो हेल्म स्टेटर की नहीं है, गिलफर्ड की भी नहीं है, ब्रैडफील्ड तथा मोरडोक की भी नहीं है। किसकी है, एस एस स्टीवेंस की है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने
जिन दोस्तों ने, जिन विद्यार्थियों ने अपना आंसर सी दिया है, उनका आंसर सही है। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा यस यस स्टीवेंस की है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस प्रकार के चरों के मापन में त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है? प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, कहा जा रहा है कि किस प्रकार के चरों के मापन में त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है। आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए सतत चर के मापन में, बी असतत चर के मापन में, सी गुणात्मक चर के मापन में, और डी सभी प्रकार के चरों के मापन में त्रुटि की संभावना बराबर होती है। दीजिए अपना, आप अपने विकल्प को चैट बॉक्स में टाइप करिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा इसका आंसर? जो सतत चर होता है इसमें मापन की त्रुटि की संभावना बहुत अधिक होती है, गुणात्मक चरों में भी होती है, और जो आपका डी विकल्प है यह भी गलत है, दोनों बराबर नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? इसका आंसर होगा बी, अर्थात जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, असतत चर होते हैं, असतत चर के मापन में त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ जो मापन की क्रिया होती है, मापन का जो कार्य होता है, उसका कोई न कोई यूनिट होता है, इकाई होता है, और साथ ही साथ जो मापन के जो नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर या पूर्णांक में होते हैं, और जब पूर्णांक में मापन हो रहा होता है तो वहाँ पर गलती की कोई संभावना नहीं होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर बी है। जिन लोगों ने बी आंसर दिया है उन लोगों का आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किसका कथन है, वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से अपनाए गए नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने को मापन कहा गया है? मेजरमेंट इज डिफाइंड एज असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉजिकली एक्सेप्टेड रूल्स। प्रिय विद्यार्थियों, आपके विकल्प हैं ए हेल्म स्टेटर, बी गिलफर्ड, सी एस एस स्टीवेंस, और डी लिंडेमैन। तो जल्दी जल्दी प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अपने आंसर्स को टाइप करिए, देखिए देखते हैं कितने लोग आंसर सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो कथन है, वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से अपनाए गए नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने को मापन कहा गया है, यह किसका कथन है? यह हेल्म स्टेटर का नहीं है, स्टीवेंस की परिभाषा नहीं है, ये लिंडमैन की भी नहीं है, क्या है ये? गिलफर्ड की परिभाषा है। तो जिन लोगों ने अपना आंसर बी दिया है, बी आंसर सही है, उन लोगों का आंसर सही है। गिलफर्ड ने कहा था कि मेजरमेंट इज डिफाइंड एज असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉजिकली एक्सेप्टेड रूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस प्रकार के चर मापन में यथार्थ संख्याओं या एग्जैक्ट नंबर्स का प्रयोग होता है? प्रिय विद्यार्थियों, इसके विकल्प हैं गुणात्मक चर के मापन में, असतत चर के मापन में, सतत चर के मापन में, या मापन में यथार्थ संख्याओं का प्रयोग नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सरल सवाल है, आप सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को टाइप करिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो चर होता है, चरों के मापन में जो यथार्थ संख्याएं या एग्जैक्ट नंबर्स का जो प्रयोग होता है, वो गुणात्मक चर में भी नहीं होता है, सतत चर में भी नहीं होता है, और डी का आंसर भी गलत है। ये क्या होता है? बी या असतत चर के मापन में, जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स के मापन में यथार्थ संख्याओं का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएँ होती हैं वो क्या होती हैं? पूर्णांक नंबर या होल संख्या होती है, होल नंबर्स होती है। तो यहाँ पे जो संख्याएं होती हैं वो एग्जैक्ट नंबर्स होती हैं, तो एग्जैक्ट नंबर्स का प्रयोग कहाँ होता है? असतत चर के मापन में। तो जिन लोगों का आंसर बी है, बी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मापन हो सकता है, ऑप्शंस हैं प्रिय विद्यार्थियों आपके, गुणात्मक हो सकता है, मात्रात्मक हो सकता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो सकता है, और दोनों में से कोई नहीं हो सकता है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग अपने आंसर्स को दीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का आंसर सही होगा, क्योंकि यह बहुत ही सरल प्रश्न है,
कि मापन की क्रिया होती है या मापन होता है, सिर्फ गुणात्मक होता है, सिर्फ मात्रात्मक होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है या दोनों में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ गुणात्मक भी नहीं होता है, सिर्फ मात्रात्मक भी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। तो इसका डी ऑप्शन भी गलत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन जिन लोगों ने सी आंसर दिया है वो उनका आंसर सही है। तो मापन की जो क्रिया होती है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है। सी विकल्प, स विकल्प जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कक्षा में छात्रों की संख्या उदाहरण है, विकल्प आपके सामने है गुणात्मक मापन का, सतत चर का, असतत चर का, छात्रों की संख्या चर है ही नहीं या चर ही नहीं होती है, तो क्या होगा? प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? कक्षा में जो छात्रों की संख्या है क्या वह गुणात्मक है मापन है? नहीं, गुणात्मक मापन नहीं है। क्या है वो? सतत चर है, सतत चर भी नहीं है। छात्रों की संख्या चर है ही नहीं, यह भी गलत आंसर है। इसका क्या आंसर होगा? सी होगा, असतत चर, डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि कक्षा में जो छात्रों की संख्या होगी प्रिय विद्यार्थियों वो क्या होगी? होल नंबर्स में होगी, 5, 6, 10, 20, 100, 150, 150, 150, 155, इस तरह से छात्रों की संख्या होगी और वो कभी डेसिमल में नहीं होगी। तो कक्षा में जो छात्रों की संख्या है वो क्या होती है? डिस्क्रीट वेरिएबल्स या असतत चर का एक उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा था कि मापन को किन्हीं मान नियमों के अनुरूप व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, किसका डिफिनेशन है? दैट इज, मेजरमेंट मे बी डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ वन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स टू ईच ऑफ अ सेट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एस्टेब्लिश्ड रूल। तो प्रिय विद्यार्थियों, विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए हेल्म स्टेटर, बी गिलफर्ड, सी एस एस स्टीवेंस और डी लिंडेमैन। जल्दी जल्दी आप लोग अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस परिभाषा को आप लोगों ने पहले पढ़ा है, क्या होगा इसका आंसर? प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है परिभाषा, यह हेल्म स्टेटर की भी नहीं है, स्टीवेंस की भी नहीं है, गिलफर्ड की भी नहीं है, किसकी है? लिंडेमैन की है। तो जिन विद्यार्थियों ने, जिन भाइयों और बहनों ने डी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। लिंडेमैन ने कहा था कि मापन को किन्हीं मान नियमों के अनुरूप व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे चर जिनके लिए किन्हीं भी दो प्राप्त अंकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात किया जा सकता है वे कहलाते हैं। विकल्प आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, सतत चर या असतत चर। यह बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए। आप सभी लोग आंसर जो है चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके दीजिए। क्या होगा इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों? प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे चर जिनके लिए किन्हीं भी दो प्राप्त अंकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात किया जा सके वह क्या होता है? गुणात्मक चर भी नहीं होगा, असतत चर भी नहीं होगा और मात्रात्मक चर भी इसका उपयुक्त आंसर नहीं है। इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? कंटिन्यूअस वेरिएबल या सतत चर होगा। सतत चर की यह विशेषता ही होती है कि किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने, जिन भाइयों और बहनों ने सी आंसर दिया है उन सभी लोगों का आंसर सी सही है। तो सी आंसर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा था कि मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है? मेजरमेंट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन और थिंग पॉसेसेस सम करेक्टरिस्टिक्स। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस परिभाषा के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए हेल्म स्टेटर, बी गिलफर्ड, सी स्टीवेंस एंड डी लिंडेमैन। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में दीजिए, टाइप करिए जल्दी से आंसर अपने। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसकी परिभाषा है ये?
यह परिभाषा जो है वो ना तो स्टीवेंस की है, ना गिलफर्ड की है, ना लिंडेमैन की है, ये किसकी है, हेल्म स्टेटर की परिभाषा है। तो जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन को चुना है, जिन लोगों का विकल्प ए ए जिन्होंने आंसर दिया है वह विकल्प सही है, इसका इस प्रश्न का जो ए विकल्प है वो सही है, हेल्म स्टेटर की परिभाषा है यह। हेल्म स्टेटर ने कहा था कि मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 23। धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई जैसे वर्गों में विभाजित करना है, क्या है? गुणात्मक चर का उदाहरण है, मात्रात्मक चर का उदाहरण है, गुणात्मक व मात्रात्मक चर दोनों का उदाहरण है, या दोनों में से किसी का नहीं है? प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप लोग अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए, जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रिय विद्यार्थियों, धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई जैसे वर्गों में विभाजित करना क्या होगा? यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो मात्रात्मक चर भी नहीं है, और दोनों का भी विकल्प गलत है, डी विकल्प भी गलत है। इसका क्या है? ए विकल्प सही है, गुणात्मक चर का यह उदाहरण है। जिन भाइयों और बहनों ने, जिन प्यारे विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया है, जिन लोगों ने ए विकल्प का चयन किया है, उनका आंसर सही है। इसका जो विकल्प ए है वो सही है, गुणात्मक चर का उदाहरण होता है, धर्म के आधार पर लोगों को विभिन्न समूहों में विभाजित करना जो है यह एक गुणात्मक चर होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लिंग के आधार पर छात्रों को पुरुष तथा महिला दो समूहों में बांटना किस प्रकार का मापन है? तो प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक बहुत ही सरल प्रश्न है, इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी जल्दी आप जो है अपने विकल्प का चयन करके आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। क्या है? ए विकल्प है गुणात्मक मापन, बी है मात्रात्मक मापन, सी है गुणात्मक व मात्रात्मक मापन दोनों, और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर प्रिय विद्यार्थियों? डी भी गलत है, मात्रात्मक मापन भी नहीं है, दो गुणात्मक मात्रात्मक मापन दोनों भी नहीं है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए गुणात्मक मापन। जिन भाइयों और बहनों ने ए आंसर दिया है, जिन प्यारे विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया है, उनका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 का जो विकल्प है ए, ए विकल्प इसका सही है प्रिय विद्यार्थियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ें, 24 का ए ऑप्शन सही है, गुणात्मक मापन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑन योर स्क्रीन। केवल महिलाओं अथवा केवल पुरुषों वाले समूह के लिए लिंग भेद है? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। कहा जा रहा है कि ऐसा समूह जहां पर क्या हो, ऐसा समूह जहां पर केवल महिलाएं हो या केवल पुरुष हो, तो ऐसे समूह के लिए लिंग भेद क्या होता है? आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। चर राशि है लिंग, अचर या स्थिर राशि है लिंग, चर व अचर दोनों राशि है लिंग, या अनिश्चित। तो प्रिय विद्यार्थियों आप अपने आंसर्स को जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करिए, देखते हैं कितने लोगों का यह आंसर सही होता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे बात की जा रही है एक ऐसे समूह की जहाँ पर केवल और केवल महिला हो या केवल और केवल पुरुष हो। तो जो ऐसा समूह होता है जहाँ पर सिर्फ महिला होती है या सिर्फ पुरुष होता है, तो वहाँ पर जो जेंडर होता है, जो लिंग होता है, वह जो है वेरिएबल का काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर वेरिएशन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उस पूरे समूह में क्या है, वो पूरा समूह एक ही प्रकार के जेंडर का है। तो ये क्या होगा आंसर? ए बी आंसर होगा, यह एक स्थिर राशि होगी, अचर राशि होगी, क्योंकि वहाँ पे जो जेंडर है वो कॉन्स्टेंट है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका सी विकल्प भी गलत होगा, डी विकल्प भी गलत होगा। जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर को चुना है, बी आंसर दिया है, उन सभी लोगों का आंसर सही है। इसका आंसर क्या है? बी, कि केवल महिलाओं अथवा केवल पुरुषों वाले समूह के लिए लिंग भेद क्या है? एक अचर राशि है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 26। किस प्रकार के मापन के द्वारा कितना या हाउ मच प्रश्न का उत्तर मिलता है? प्यारे विद्यार्थियों, हाउ मच क्वेश्चंस का आंसर किस प्रकार के मापन में मिलता है?
इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, गुणात्मक मापन के द्वारा, मात्रात्मक मापन के द्वारा, गुणात्मक व मात्रात्मक मापन दोनों के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, चैट बॉक्स में टाइप करिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। लगभग सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए, सबका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों आंसर, यह जो है हाउ मच आंसर गुणात्मक में नहीं मिलता है, किसमें मिलता है, मात्रात्मक मिलता है। जिन लोगों का विकल्प बी है, जिन लोगों ने बी आंसर दिया वो सही है, सी जो विकल्प ये भी गलत है और डी विकल्प भी गलत है। इसका जो आंसर होगा द अल्टरनेटिव नंबर बी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। किसी प्रकार जो मात्रात्मक मापन होता है, मात्रात्मक मापन में कितना या हाउ मच प्रश्न का उत्तर मिलता है। चलिए दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 27। किस प्रकार के चरों का मान दशमलव या भिन्न में भी हो सकता है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर, असतत चर, सतत चर, गुणात्मक चर का मान या सभी वर्ग प्रकार के चरों का मान। प्रिय विद्यार्थियों जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को टाइप करिए। कहा जा रहा है कि जो चरों का मान है वह दशमलव या भिन्न में हो सकता है, तो वे जो है किस प्रकार के मान है, वे असतत चर के मान है, सतत चर के मान है, या गुणात्मक चर के मान है, या सभी प्रकार के चरों के मान। तो इसका डी ऑप्शन गलत होगा प्रिय विद्यार्थियों, सी भी गलत होगा और इसका ए भी गलत होगा। इसका आंसर नंबर बी सही है। जिन भाइयों बहनों ने बी आंसर दिया है उन लोगों का आंसर सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो सतत चर होता है, सतत चर के मान को हम लोग दशमलव या भिन्न में भी व्यक्त कर सकते हैं। जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के मान को हम लोग भिन्न या डेसिमल में उसको जो है हम लोग व्यक्त करते हैं, उसके मान को दशमलव या भिन्न में भी उसका मान हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सतत चर का मान जो है दशमलव या भिन्न भी हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 28 है प्रिय विद्यार्थियों। किसी व्यक्ति की लंबाई 5 फुट 3 इंच है, यह किस प्रकार के मापन का उदाहरण है। प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही सरल प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसके विकल्प हैं गुणात्मक मापन का उदाहरण है, मात्रात्मक मापन का उदाहरण है, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों मापन का उदाहरण है और दोनों में से किसी का नहीं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, लगभग सभी लोगों का आंसर सही है। क्या होगा यहाँ पे, जो लंबाई का मापन किया जा रहा है तो लंबाई का मापन जो है क्या होगा, यह गुणात्मक नहीं है, दोनों नहीं है, दोनों में से ये भी गलत है। इसका जो विकल्प बी है मात्रात्मक मापन, यह आंसर सही है। तो जिन भाइयों बहनों ने, जिन प्यारे साथियों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने बी आंसर दिया है उन सभी लोगों का उत्तर सही है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किस प्रकार के मापन के द्वारा किस प्रकार का या ऑफ व्हाट टाइप प्रश्न का उत्तर मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार का या ऑफ व्हाट टाइप जो प्रश्न होता है इसका उत्तर हमें किससे मिलता है। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, पहला गुणात्मक मापन के द्वारा, दूसरा मात्रात्मक मापन के द्वारा, तीसरा गुणात्मक और मात्रात्मक मापन दोनों के द्वारा, और डी ऑप्शन जो है किसी के द्वारा नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को टाइप करिए, जल्दी जल्दी टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रिय विद्यार्थी हम लोगों ने देखा कि जो हाउ मच प्रश्न क्वेश्चन होता है, हाउ मच क्वेश्चन का आंसर जो है मात्रात्मक मापन मिलता है, तो इसका बी विकल्प सही गलत है, सी विकल्प भी गलत है, डी विकल्प भी गलत। इसका आंसर क्या होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर जो होना चाहिए वो ए विकल्प, दैट इज गुणात्मक मापन के द्वारा, यह इसका विकल्प सही है। गुणात्मक मापन के द्वारा जो है किस प्रकार का या ऑफ व्हाट टाइप क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है। तो जिन प्यारे भाई बहनों ने, जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्रिय साथियों ने बी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। तो इसका जो आंसर होगा बी, सॉरी ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इसका सही है। गुणात्मक मापन के द्वारा जो है किस प्रकार
का या ऑफ व्हाट टाइप प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो जिन लोगों ने, जिन भाइयों बहनों ने ए ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, ए आंसर दिया है, दैट इज गुणात्मक मापन के द्वारा, उन सभी लोगों का आंसर सही है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न जो है वह प्रश्न है कि किस प्रकार के चरों के लिए किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये एक निगेटिव टाइप का प्रश्न है। कहा जा रहा है कि किस प्रकार के चरों के लिए किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं प्रिय विद्यार्थियों। विकल्प है सतत चर के लिए, असतत चर के लिए, गुणात्मक चर के लिए और सभी प्रकार के चरों के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, लगभग सभी लोगों के आंसर सही हैं। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, जो सभी प्रकार के, जो किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के सभी मानों को हम सतत चर में ज्ञात करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा ए, वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रश्न है। कहा जा रहा है ज्ञात नहीं किया जा सकता, ध्यान दीजिएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता कहा जा रहा है, तो इसका ए ऑप्शन गलत होगा। इसका क्या होगा, इसका बी ऑप्शन सही है। असतत चर जो होते हैं, इनमें जो है किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के मान को ज्ञात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असतत चर में जो मान होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, वो पूर्णांक में होते हैं। और सी विकल्प भी गलत है, डी विकल्प भी गलत है। तो जिन प्यारे और भाइयों बहनों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन साथियों ने, जिन मित्रों ने भी आंसर दिया है, उन सभी लोगों का आंसर सही है। असतत चर के लिए जो है किन्हीं भी दो प्राप्तांकों के बीच के प्रत्येक मान को ज्ञात करना असंभव होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, इसका आंसर बी है। जिन लोगों ने बी आंसर दिया है, उन सभी लोगों का आंसर सही है। अब जल्दी से आप काउंट कर लीजिए कि आपके कितने आंसर सही रहे, आपका स्कोर क्या आया, और आप अपने स्कोर को जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए कि 30 नंबर में से आपको कितने नंबर मिलते हैं, 30 नंबर में से आप कितने नंबर प्राप्त कर पाए, आपकी तैयारी किस स्थिति में है। जल्दी से आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। और साथ ही साथ प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और साथ ही साथ आप वीडियो के ऊपर कमेंट करिए, आप हमको ये बताइए कि और हम क्या सुधार कर सकते हैं, या आपका महत्वपूर्ण सुझाव जो हो उसको आप अपने सुझावों को कमेंट के द्वारा दीजिए। और साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न हो तो प्रश्न को भी आप कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, आपके जो सुझाव होंगे उसका अनुपालन किया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज आपको समय से मिल जाएँ, आप सभी वीडियोज को आसानी से देख सकें, सभी वीडियोज का आपको समय से नोटिफिकेशन मिले, आप जो है सभी वीडियोज को पूरी तरह से देख पाएँ, समय से देख पाएँ, आपको जो है वीडियो देखने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और आप कमेंट्स भी करिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स टू